इतनी ही जिम्मेदारी हम सब की है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे बबीता जी, हमारा अफेयर रहना बहुत जरूरी है। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। हे दोस्तों, क्या हाल चाल, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, प्लीज इसे सीरियसली मत लेना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। भैया क्या बेच रहे हो? समोसा है। समोसा समोसा खिला नहीं हो गया? तो कितने रुपए समोसा है ये? 20 रुपए का 3 समोसा। कहाँ के रहने वाले हो आप? अपने सस्ता है। कितना चाहिए आपको ये बताइए। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। सफर करने का मौका मिला। आपने मुझे वो मौका दिया इसलिए थैंक यू। क्या आप बिजी था जी? अरे अंजलि भाभी, कोमल भाभी, भगा भगा। मैं गिरा होया पूरा जमा नीच बंदी है, ओ पूरा के सिरा पर नहीं नीच बंदी है। कहवे बिल्ली क्या कर रही है? डांस। अब डांस कर रहे गाइस, डांस कर रहे हैं। Okay. डांस। तो हमारे घर में 2 कुत्ते डांस करते हैं। लाली लालो, ये कुछ भी बोले ऐसे तो नहीं होगा। लाली लालो, यार चुप हो गया यार, पागल है ये, बहुत बोलता है। कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है, सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। अगर माँ बाप नहीं तो कुछ नहीं है। अगर आपके माँ बाप नहीं है और आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो वो भी बेकार है, आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर माँ बाप है और आपके पास कुछ नहीं है तो आपका मन लगेगा। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ, तो दोस्तों आज ही अपने माँ बाप को गले लगा लो, क्योंकि माँ बाप से बड़ी दौलत और माँ बाप से बड़ी जन्नत इस जिंदगी में कुछ नहीं है। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छोड़ गया। हम फर्स्ट। स्टार्ट। हम फर्स्ट। क्या-क्या स्पॉट्स हैं वो पता होने चाहिए। एक एलियन सरप्राइज का असर हो गया, उसे बांधा जब कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10. रफ्तार वाला क्लिप कितना वायरल यार। अरे सबसे प्रॉब्लम पता क्या हुई, मैंने नारा नहीं देख लिया वो क्लिप। अच्छा नाना इज देयर? या ब्रो दैट्स जस्ट अ जोक नाउ दैट आई डू। ये जोक था? हां अभी नारा नहीं देख लिया वो क्लिप, सबसे खराब हो गया भाई। क्या रिएक्शन था? बात नहीं हुई है उनसे बहुत टाइम से। आई थिंक 2 साल से आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम। ओके पैरालिसिस है ना उनको। ये ऐसे क्यों है? इस चाइना से वाला स्टोरी आ रहा है, जहाँ पर एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड को 80 लाख रुपीस कैश दिया था एज अ गिफ्ट। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जैसे ये गर्लफ्रेंड को कैश मिला एंड वो बैंक में गई इसको डिपॉजिट करने के लिए, तो वहाँ पर पता चला कि ये फेक करेंसी है, बिल्कुल फेक कैश था। म्यूजिक जरा चाय लगा दो। अभी लो बैठो आप। ओ बेटे चाय लगा। फिजा यार सर पे बहुत दर्द हो रहा है, चलो चल यार एक एक चाय। एक एक चाय लगा दो। आइए चाय तो लिया भाई। यार इतना टाइम हो गया अभी तक चाय नहीं आई, चल देखते हैं। यार इतनी भीड़ कैसे लगी थी? अरे यार गुड्डन अभी तक तुमने चाय नहीं लगाई है, इतनी देर करोगे चाय में? चाचा यार ये कोई तरीका, हम दोनों कितनी देर से बैठे हैं अभी तक चाय नहीं आपने दी। दा मैं चाय में बैठे रहा हूँ, खाली टाइम पास कर।
इन लोगों ने मेरा बयान लेकर मुझे मार डालने का प्लान बनाया है। मैं चाहूं तो यहां से आसानी से भाग सकता हूं, लेकिन मैंने कानून हाथ में लिया तो शिवाजी फाउंडेशन नहीं बचाएगा। मैंने जनता की सेवा के लिए जो कुछ भी किया है उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो लोग मेरा बयान ले इससे पहले मैं अपनी जान दे दूं। भगवान और आप पर भरोसा करके मैं अपनी जान देने जा रहा हूं। आज लेने वाला हूं। ले जाना डोका। तो चलूं मैं? एक मिनट, आपका MMS आ रहा है। ऐसा हो सकता रब ते पैरी पै जांदी तेरी जगह पे चली मौत मैनू ले जांदी जो तू ना मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती रब नाम की यारा यहाँ कोई चीज नहीं होती और रब चित्रा जी मैं तो कभी इस बारे में बोलता ही नहीं कि मुझे रोज नस्लभेद का शिकार होना पड़ता है। रोज मुझे कलुआ कह के लोग बुलाते हैं। आप फेसबुक पे चले जाइए, आप ट्विटर पे चले जाइए। What do you think he's listening to? Probably death metal or hard rock. नरेंद्र ज्ञान गुण सागर जय जोगी ते हो लोक उजागर जय मोदी ते हो लोक उजागर। कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. Russia? Yeah. Russian? Yeah. 15,000. मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है ओ पूरा के सिरा पर नहीं रीच बली है बस यूं ही तेरे शहर को मुझे कटी तेरे पता के ने शहर दे चराइना अंजी अंजी देखो माइक पे लगा बंदे माफ कर दो बहुत कुछ तो बोली बोतल दे बंदे माफ कर दो जल्दी क्या बंदे माफ कर दो मुझे सबसे अच्छे मीम्स जो थे दोनों भी जेठालाल वाले लगे। एक जो था वो हमारा अफेयर होना चाहिए जिसमें बाबूजी भी सही बोल रहे हैं वो वाला, और दूसरा रिक्शा वाला जो था कि जहाँ पे उनको दूसरी भाभियां दिख जाती तो भगाओ बोल रहा है रिक्शा वाला को जेठालाल जेठालाल बहुत बड़ा नट कट है जेठा भाई ऐसा हो गया लाइक लिटरली मैं उसके मीम्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो चाय वाले का क्या था, इतने सारे ऑर्डर आओ बोलते मैं तो यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ चाय नहीं बना रहा हूँ, लोग फेंक के नहीं मारेंगे फिर उसको कुछ कुछ हा? तो ये था मेरा रिएक्शन। आपको सबसे खतरनाक मीम कौन सा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, जितना हो सके लाइक कमेंट ऐसे भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाल बाय।